मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों वास्तु दोष एक ऐसा दोष है जिसके कारण आप कितनी भी मेहनत कर लें लेकिन आप तरक्की नहीं कर सकते। आपने भी देखा होगा अपने आसपास ही दो दुकान है, दोनों के मालिक का स्वभाव अच्छा है, दोनों सेम चीजें बेचती हैं, लेकिन आप देखेंगे एक दुकान वाले का दुकान बहुत ज्यादा चलता है, एक दुकान वाले का दुकान उतना नहीं चलता। जबकि दोनों सेम रेट में सामान बेचते हैं, दोनों का स्वभाव बढ़िया है, दोनों सेम चीज बेचते हैं, फिर भी एक का दुकान ज्यादा चलता है, एक का दुकान कम चलता है। आपने घरों में भी देखा होगा दो लोग सेम जॉब करते हैं, टीचर हैं तो दोनों टीचर ही हैं, लेकिन एक टीचर के यहाँ ज्यादा बढ़िया सब कुछ है, एक टीचर के यहाँ सभी परेशान है, डॉक्टर वैद्य का चक्कर लगा रहता है, उनकी तरक्की एक तरह से रुक सी गई है। जबकि दोनों की आमदनी सेम है लेकिन तरक्की एक की अलग है, एक की अलग है। आपका इनकम, आमदनी और तरक्की दोनों दो चीजें हैं। आमदनी मतलब पैसा जितना आ रहा है और तरक्की जितनी आप तरक्की कर रहे हैं अपनी लाइफ में, दोनों दो चीजें हैं। तो आइए आपको हम बताते हैं ये क्यों होता है। ये वास्तु दोष के कारण होता है। जिनके यहाँ दुकान में वास्तु दोष है उनका दुकान कम चलता है, जिन्होंने वास्तु दोष का ध्यान रखा है उनका दुकान काफी चलता है। घरों में भी इसी तरह की व्यवस्था है, जिन्होंने वास्तु दोष का ध्यान रखा है उनका घर में तरक्की सुख समृद्धि आती है, और जिन्होंने वास्तु दोष का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा उनके यहाँ कुछ समझ नहीं आता उनको, उन हमेशा पैसे की तंगी लगी रहती है और लोग परेशान रहते हैं। तो आइए जानते हैं कि वास्तु दोष को ठीक करने के लिए घर या दुकान में हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए, अगर नया घर है तब भी, अगर पुराना घर है या दुकान है तब भी। सबसे पहले मित्रों बताना चाहूंगा, हर घर में हर दुकान में कुछ न कुछ दस्तावेज पेपर्स जरूर होते हैं। ये पेपर्स आपको कोर्ट कचहरी के मामले के हो सकते हैं, जमीन के कागजात हो सकते हैं, दुकान के कागजात हो सकते हैं, दुकान के लाइसेंस हो सकते हैं, या कुछ भी हो सकता है, घर के कागज हो सकता है। तो ध्यान रहे ऐसे कागजातों को रखने के लिए घर में लोग जगह जरूर बनाते हैं, एक खास जगह होता है घर या दुकान में, वहाँ पे इन पेपर्स को रखा जाता है। तो ध्यान रहे हमेशा ऐसे पेपर्स को पूर्व उत्तर दिशा में रखें। पूर्व या उत्तर दिशा में ऐसा रखने से आपको कार्य में सफलता मिलेगी। आप अगर कोर्ट कचहरी का चक्कर है आपके यहाँ, आप कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, तो वो पेपर अगर आप पूर्व या उत्तर दिशा में रखते हैं तो आपको वहाँ पे भी जीत मिलने की संभावना है। तो ध्यान रहे वास्तु शास्त्र के अनुसार हमेशा पेपर्स को पूर्व या उत्तर दिशा में ही रखने चाहिए, इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। मित्रों उसके बाद मैं बताना चाहूंगा, हर घर में बैठक होता है, ड्राइंग रूम होता है, जहाँ कहीं भी आप बाहर से आए हुए गेस्टों को सबसे पहले बिठाते हैं, हर घर में होता है, कुछ ना कुछ जरूर होता है, कहीं सोफा किन्हीं के यहाँ लगा रहता है, किन्हीं के यहाँ चेयर ही लगा रहता है, लेकिन हर व्यक्ति के यहाँ कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था जरूर होती है। तो ध्यान रहे आपके यहाँ बैठक जहाँ कहीं भी है उससे उत्तर पूर्व या उत्तर पश्चिम दिशा में रखें। अगर आप उत्तर पूर्व या उत्तर पश्चिम दिशा में बैठक बनाते हैं तो परिवार में सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है और लोग दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करते हैं। घर में याद रखें, ध्यान रखें, कभी भी पूर्व या उत्तर दिशा में खाली रखें, कम भारी सामान नहीं रखें। घर का जो पूर्व और उत्तर दिशा होता है वहाँ पे भारी सामान नहीं रखें। भारी सामान अगर आपको रखना है तो दक्षिण पश्चिम दिशा में रख सकते हैं, ये वास्तु शास्त्र के अनुसार शुभ होता है। दक्षिण पश्चिम दिशा में भारी सामान रखना शुभ होता है, लेकिन इसके उल्टा उत्तर पूर्व दिशा में भारी सामान रखना अशुभ होता है। उत्तर पूर्व दिशा में आप हल्के सामान रख सकते हैं, जैसे घर को सजाने वाला गुलदस्ता वगैरह या चेयर वगैरह भी रख सकते हैं, लेकिन भारी सामान जैसे कि पलंग, अलमीरा, ये वगैरह आपको दक्षिण पश्चिम दिशा में रखने हैं। तो इन वास्तु शास्त्र के अनुसार इन नियम का ध्यान रखें। मित्रों हर दुकान में, हर घर में घड़ी जरूर होता है समय देखने के लिए, घर में या दुकान में कहीं भी घड़ी अगर है तो उसे आप पूर्व या उत्तर दिशा में लगाएं। ऐसा करना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। आप और भी दिशा में घड़ी को लगा सकते हैं लेकिन उसका वास्तु शास्त्र में ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप पूर्व या उत्तर दिशा में घड़ी को लगाते हैं तो आपका बुरा समय जो है वो टल जाता है और कार्य के नए अवसर आपको मिलते हैं, सफलता के नए अवसर आपको मिलते हैं। तो ध्यान रहे घड़ी हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में ही लगानी चाहिए आपको। मित्रों हर घर में किचन होता है, रसोई घर होता है, ध्यान रहे किचन या रसोई घर हमेशा घर के उत्तर पश्चिम दिशा में ही होने चाहिए। इससे जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ता है, उनका स्वास्थ्य ठीक रहता है। अगर आपका पुराना घर है और उत्तर पश्चिम दिशा में आपका किचन नहीं है, किसी अन्य दिशा में है, तो आप क्या करें उस किचन में एक दर्पण लगा दें। ऐसा करने से ये वास्तु दोष जो है वो खत्म हो जाता है और सभी स्वस्थ रहते हैं। तो ध्यान रहे अगर उत्तर पूर्व दिशा में किचन नहीं है तो दर्पण लगा दें किचन में। मित्रों हर घर में हर दुकान में पूजा स्थल जरूर होता है, छोटा या बड़ा। तो ध्यान रहे पूजा स्थल हमेशा दक्षिण पूर्व दिशा में ही होनी चाहिए, इससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होती है। ऐसा अगर नहीं है कि नहीं और दिशा में आपका पूजा स्थल है, दक्षिण पूर्व दिशा में नहीं है, तो क्या करें पूजा स्थल के पास तांबे के लोटे में गंगाजल भर के रख दें।
इससे ये वास्तु दोष जो है वो दूर हो जाता है और आपको मान सम्मान में वृद्धि होती है। हर घर में बाथरूम होता है, लेकिन ध्यान रहे बाथरूम दक्षिण पश्चिम या पूर्व दक्षिण दिशा में ही होनी चाहिए। ऐसा ना होने पे वास्तु दोष मिलता है। घर का जो मुखिया होता है वो हमेशा बीमार रहता है। अगर आपके यहाँ दक्षिण पश्चिम या पूर्व दक्षिण दिशा में बाथरूम नहीं है तो आप क्या करें, नमक से भरा हुआ एक कटोरा अपने बाथरूम में रखें हमेशा, इससे वास्तु दोष दूर हो जाता है। मित्रों, हर घर में हर दुकान में पैसे रखने के लिए एक खास जगह जरूर होता है, जिसे तिजोरी कहते हैं, अलमीरा कहते हैं, कहीं भी आप जहाँ पे भी पैसे रखते हैं तो हमेशा याद रखें उत्तर या दक्षिण दिशा में आपको तिजोरी या धन संचय करने का जगह रखना है। इससे तिजोरी में रखे धन की वृद्धि होती है और आपकी आय में बढ़ोतरी होती है। तो ध्यान रहे हमेशा पैसे रखने का जगह उत्तर या दक्षिण दिशा में ही होनी चाहिए, इससे सीधा सीधा आपको वास्तु प्रभाव पड़ता है। घर में बेडरूम जो होता है उसे आप दक्षिण पश्चिम दिशा में रखें। जो मुखिया है घर का उसका जो बेडरूम है वो दक्षिण पश्चिम दिशा में होना चाहिए। यह दिशा बेडरूम के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। अगर घर के मुखिया का बेडरूम दक्षिण पश्चिम दिशा में नहीं है तो आप क्या करें, बेडरूम में किसी लाल रंग की तस्वीर को रखें या कोई भी शो पीस, कोई भी सामान, ऐसा सजाने का सामान लाल रंग का रखें। इससे वास्तु दोष दूर हो जाता है और घर में तरक्की आती है। तो मित्रों, उम्मीद है आपको इससे जरूर लाभ मिलेगा। इन बातों को आप ध्यान रखें और अपने तरक्की में भागीदार बने। तो मिलते हैं किसी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक देखते रहे धर्म शिक्षा। धन्यवाद।